हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में देखिए हमने लास्ट वीडियो, आज की डेट में दो वीडियो आई है। यहाँ पर चार्ट ऑफ द वीक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बाकी ये वाला एक शेयर है। तो दोनों अगर हम बात करें, इस शेयर में हमने एक ग्लेनमार्क लाइफ साइंस से रिलेटेड बातें करी थी, जो रिसेंट IPO आया था। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बता दिया पैसा डबल होगा, कब तक डबल होगा, कैसे डबल होगा, एक हम उससे रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी वीडियो देखा करे उसे लाइक जरूर कर दिया करे, ताकि आगे YouTube उसे फॉरवर्ड करे, ताकि आपको सीखने का मौका मिले, दूसरे लोगों को सीखने का मौका मिले। देखिए ये चैनल हमने इसलिए खोला है ताकि आप लोग सीख सके, ताकि कोई भी सिचुएशन है, बियर की सिचुएशन हो, बुल की सिचुएशन हो, आप घबराए ना, ताकि उस तरीके से उस चीज़ों को भी हम हैंडल कर सके। मार्केट में बहुत सारे नए लोग आए हैं, लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा लोग नए आए हैं, तो उन्हें एक अपॉर्चुनिटी चाहिए सीखने के लिए। तो देखिए हम यहाँ पर शॉर्ट में वीडियो बनाते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप स्टॉक की एनालिसिस करके अच्छे स्टॉक में बने रह सकते हो और अपना पैसा अच्छा खासा यहाँ पर कमा के निकल भी सकते हैं। कब निकलना है, कब एंट्री करनी है, वो भी हम बातें करते ही है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। बाकी आप इस अगर ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट ने क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन कराएं। तो देखिए हम बात करते हैं आज की डेट में ग्लेनमार्क लाइफ साइंस की। ग्लेनमार्क लाइफ साइंस की हम बात करें तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं, एक साइड बाय शेयर चल रहा है। और अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखाऊं तो देखिए अभी IPO आता हुआ दिखाई दिया है, 6 अगस्त के आसपास ये IPO आता हुआ दिखाई दिया। ज्यादा दिन नहीं हुए इस IPO को आते हुए। और अगर हम देखते हैं तो एक अच्छी खासी गिरावट हुई थी, गिरावट के बाद यहाँ पर यह शेयर आज की डेट में 756 के आसपास यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर इससे रिलेटेड पहले हम जान लेते हैं कि ग्लेनमार्क लाइफ साइंस है क्या। तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के बारे में जानने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए ये जो सब्सिडियरी है, या कह सकते हैं आप, एक डीमर्ज हुआ है। ये शेयर किससे डीमर्ज हुआ है? ये हुआ ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जो हमने शेयर से रिलेटेड पहले भी एक बार वीडियो बनाई है। तो वहाँ से ये डीमर्ज हुआ है। और यहाँ पर हम देखें, इज अ वन ऑफ द लीडिंग डेवलपर एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ द सिलेक्टेड हाई वैल्यू एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स, मतलब API में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। एंड कंपनी further operates in contract development and manufacture operating to offer service to specialty pharmaceuticals company। अगर बात करें बड़ी-बड़ी कंपनीज के लिए ये API में काम करती है, as well as उनके लिए मैन्युफैक्चर भी करती है। तो मैंने जैसे कि हमने एक हिंदुस्तान फूड से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, तो उसमें बड़े-बड़े इनके क्लाइंट्स थे, तो उनके लिए वो प्रोडक्ट्स बनाती थी। तो यहाँ पर इसी तरीके से ये बड़े-बड़े इनके क्लाइंट्स है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स या कह सकते हैं मेडिसिन बनाती हुई दिखाई देती है। अगर बात करें ग्लेनमार्क लाइफ साइंस फार्मास्यूटिकल्स लॉन्च API में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 2001 में यहाँ पर आती हुई दिखाई दी थी। API सेगमेंट में कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। अक्रॉस द वर्ल्ड ये कंपनी काम करती है। एंड इन 2019 द API मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऑफ ग्लेनमार्क वाज स्पन ऑफ इन GLS। ओके, यहाँ पर GLS में, GLS का मतलब ग्लेनमार्क लाइफ साइंस है, विच विल एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट कंपनी एंड फोकस ऑन API बिजनेस। अब ये सीधे किस पे, इनकी जो दो आपको पता है ग्लेनमार्क लाइफ साइंस और ग्लेनमार्क फार्मा, तो ये बिल्कुल अलग कर दिया। और ये जो GLS अब काम करेगी वो API बिजनेस में ही फोकस करेगी, इसलिए यहाँ पर इसे डीमर्ज भी किया गया। और अगर बात करें इसका, द कंपनी हैज टू की सेगमेंट, जेनरिक एंड कॉम्प्लेक्स API। तो 90% ऑफ द रेवेन्यू इनका इन्हीं चीजों से आता हुआ दिखाई देता है। एंड कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑपरेशन, मतलब दूसरों के लिए जो ये दवाई बनाते हैं उसमें इनका 8% का हिस्सेदारी है। अगर तो 8% की रेवेन्यू इनका आता हुआ दिखाई देता है टोटल रेवेन्यू का। अगर बात करें यहाँ पर लीडिंग API बिजनेस में कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। आपको पता ही है, यहाँ पर ये इनसे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर ये API बनाती है किसके लिए? क्रोनिक थेराप्यूटिक्स एरिया लाइक कार्डियो वेस्कुलर डिजीज, डायबिटीज एंड पेन मैनेजमेंट एंड अदर्स के लिए कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। CDMO में भी कंपनी काम करती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। तो यहाँ पर CDMO का मतलब कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट यहाँ पर करती हुई नजर आती है मैन्युफैक्चर दूसरी कंपनीज के लिए। इसके अलावा बात करें यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, इनकी 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। यहाँ पर अगर बात करें अंकलेश्वर, दहेज इन गुजरात एंड माहौल एंड कुरकुंभ इन महाराष्ट्र में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। और ये इसकी कैपेसिटी है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें, इनके पास 120 मॉलिक्यूल्स है विद द टॉप 10 प्रोडक्ट्स अकाउंटिंग फॉर 66.36% के हिस्सेदारी है, जिसमें 10 प्रोडक्ट्स की ऑफ द रेवेन्यू, जिससे रेवेन्यू आता है। एंड द कंपनी इज टाइप टू लॉन्च 8 to 10 न्यू मॉलिक्यूल्स एवरी ईयर एंड इट हैज फिल्ड 399 DMFs एज द मार्च फाइनेंशियल ईयर 2021। अगर बात करें 8 से 10 यहाँ पर अगर बात करें न्यू मॉलिक्यूल हर साल में यहाँ पर न्यू मॉलिक्यूल यहाँ पर डेवलप करते हैं। मॉलिक्यूल्स का मतलब है कुछ ऐसा APIs कह सकते हैं कि इस तरीके की चीजें बनाते हैं ताकि वो हमारे पेन रिलीफ में यहाँ पर कंपनी काम करती हुई दिखाई दे। तो अगर बात करें हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड, तो इसी चीज़ में यहाँ पर बताते हैं कि किस तरीके से कंपनी कहाँ पर एक काम करती हुई दिखाई देती है, कहाँ से इन्हें सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, वो सब चीज़ से रिलेटेड यहाँ पर बातें की गई है। तो यहाँ पर ग्लोबल फुटप्रिंट भी अगर बात करें, यहाँ पर यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अदर एशियन कंट्रीज एंड एक्सपोर्ट अकाउंटिंग फॉर 43%, मतलब 43% रेवेन्यू यहाँ पर एक्सपोर्ट से ही आता है इनका। R&D रिसर्च में भी ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। हाई डेवलपमेंट ऑन कीज यहाँ पर अगर बात करें, इसके अलावा IPO यहाँ पर अभी आज की डेट में इसी मंथ में आता हुआ दिखाई दिया है। तो अगर बात करें यहाँ पर ये कंपनी इन सभी सेक्टर में काम करती हुई दिखाई देती है। लाइफ साइंस में है, और लाइफ साइंस में यहाँ पर जितनी भी कंपनी जैसे जुबिलेंट लाइफ साइंस हो गया, लक्ष्मी ऑर्गेनिक हो गई, ये कंपनी बहुत अच्छी खासी चलती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर इससे रिलेटेड जब हमने बातें करी थी, तो IPO से रिलेटेड जब यहाँ पर वीडियो बनाया था, तो उस टाइम हमने इससे रिलेटेड बात करी थी। यहाँ पर देखिए कंपनी के पास लगभग 120 हाई क्वालिटी API प्रोडक्ट्स है, 540 इनके कस्टमर्स है, 6 यहाँ पर ग्लोबल मार्केट नॉट यहाँ पर ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा 3 लोकेशन पे यहाँ पर R&D होती हुई दिखाई देती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 39 पेटेंट है इनके पास। तो यहाँ पर सब चीज़ यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर। और इनकी वेबसाइट पर जाके यहाँ पर आप देख सकते हैं R&D का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, यहाँ पर फैसिलिटीज का है, सस्टेनेबिलिटी का है। तो ये सब चीज़ आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें 713 रुपये पे 9 मार्च को आया था, उसके बाद यहाँ पर शेयर भागता हुआ दिखाई दिया, और 6 अगस्त को जब आया था तो लगभग 799 रुपये तक ये जाता हुआ दिखाई दिया था। और 3,35,000 शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे बनाए गए हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ूँ, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी। ओके, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर एक वीडियो बनाई गई थी यूट्यूब में, पहली बार ऐसी एक वीडियो बनाई थी हमने। हाँ देखिए, यूट्यूब चैनल पर पहली बार ओके IPO मिले या ना मिले, आपको यहाँ पर पैसा आपका डबल होता हुआ दिखाई देगा। तो इस वीडियो का लिंक दूंगा, तो इस वीडियो को जाके देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर पैसा डबल हो सकता है। देखिए यहाँ पर बात करें मार्केट कैप की, 9,284 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप की कंपनी है। ROCE देखिए 96% की ROCE है यहाँ पर, बहुत बेहतरीन। ROE 61% की, डेट फ्री कंपनी है, कोई प्लेजिंग नहीं है। तो यहाँ पर सब चीज़ अच्छी लग रही है। PE रेशो भी देखिए 26 की PE है, ज़्यादा यहाँ पर PE भी नहीं है कंपनी की। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इनके पीयर कंपैरिजन भी कर लीजिए, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो PE है यहाँ पर इससे ज़्यादा भी काफ़ी ज़्यादा कंपनियों के। और इवन इफ बात करें ROCE केवल इसी कंपनी का है जो सबसे हाईएस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर रिजल्ट आए थे इसके, अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर भी दे रखे हैं। तो देखिए 525 करोड़ रुपये की सेल्स हुई है, जो कि ईयरली बेसिस पे भी बढ़ी है, क्वार्टरली बेस पे भी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, वो थोड़ा सा यहाँ पर क्वार्टरली बेस पे घटता हुआ दिखाई दे रहा है, जस्ट बिकॉज इनके एक्सपेंस ज़्यादा हुए हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी अच्छा खासा ही है, हाईएस्ट एवर ही कह सकते हैं, पिछले 2 क्वार्टर में यहाँ पर नेट प्रॉफिट आया है। और ईयरली बेसिस पे बात करें, कंपनी देखिए अपने आप को दुगुना कर लिया है 1 साल के अंदर अंदर, और यहाँ पर लगभग 3 गुना तो नहीं कहेंगे, 2.5 टाइम्स यहाँ पर 3 साल के अंदर अंदर कंपनी ने कर लिया। और यहाँ पर बात करें नेट प्रॉफिट की, वो हाईएस्ट एवर है। यहाँ पर कंपनी ने 3 साल के अंदर अंदर अपने प्रॉफिट को 3 गुना कर लिया है, 2 गुना कर लिया है सॉरी। अगर रिजर्व्स की बात करें, -1 करोड़ का रिजर्व्स था 2018 में, आज की डेट में 751 करोड़ का रिजर्व्स, कोई बोरिंग नहीं, ये चीज़ का इसे हमेशा फायदा मिलता रहेगा। फिक्स एसेट अच्छी खासी है, वर्किंग प्रोग्रेस में 14 करोड़ रुपए है। इसके अलावा जो भी पैसा आता है इनकी बुक में दिखाई देता है, हाईएस्ट है 388 करोड़ रुपए अभी दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ROCE की बात करें तो कंपनी का ROCE बेहतरीन ही है यहाँ पर। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड एक बार देख लेते हैं हम। अगर बात करते हैं GLS बैलेंस शीट, एक बार मनी कंट्रोल की साइड पर जाके एक बार देखना पड़ेगा हमें, सॉरी तो मनी कंट्रोल की साइड पे हमें एक बार दिखा देगा अगर वहाँ पर होगा तो, सॉरी 1 मिनट, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, थोड़ा हमें नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन है, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, आप भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक आई नहीं है इनकी, एक बार फिर भी यहाँ पर बाद में हम एक बार चेक करेंगे तो हम एक बार यहाँ पर देख लेंगे। तो हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं है, बट शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पर अच्छी खासी हाथों में ही होगी, तो यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बात करते हैं अब सीधे टारगेट के ऊपर। तो देखिए GLS अगर बात करें तो शेयर देखिए अभी आता हुआ दिखाई दिया था, ज़्यादा इसे टाइम भी नहीं हुआ यहाँ पर, कितने 6 ट्रेडिंग सेशन ही यहाँ पर ज़्यादा होते हुए दिखाई दिए, ज़्यादा ट्रेडिंग सेशन भी नहीं है। कंपनी बात करें देखिए रिजल्ट अच्छे खासे आए हैं, ईयरली क्वार्टरली बेस पे सेल्स बढ़ती हुई नजर आई रही है। प्रॉफिट यहाँ पर अच्छा खासा है कंपनी का। कंपनी ईयरली क्वार्टरली बेस में यहाँ पर अच्छा खासा कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस करके दिखा रही है। तो सब फैक्टर को देखने में, जब मैंने यहाँ पर बताई है कि हमने एक वीडियो बनाई थी, यहाँ पर इस वीडियो को जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से 6 महीने के अंदर अंदर जिस भी कंपनी के रिजल्ट बेहतरीन आए हैं वो पैसे यहाँ पर डबल करती हुई दिखाई दी है। तो देखिए लगभग यहाँ पर ये शेयर चल रहा है, मुझे ये शेयर 1500 रुपए पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अपने हिसाब से आप ट्रेडिंग करिएगा और यहाँ पर गिरता है तो बाय ऑन डिप्स करके थोड़ा थोड़ा यहाँ क्वांटिटी उठाइएगा। रिजल्ट अच्छे हैं, मैं यहाँ पर कल से दोबारा से यहाँ पर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी उठाने की कोशिश करूंगा और यहाँ अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पर लगभग 6 से 1 साल के लिए रखूंगा, क्योंकि 6 से 1 साल के अंदर अंदर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करके यहाँ पर दिखा देगी। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। बाकी आप अपनी खुद की स्टडी करिएगा, खुद की आप जानिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लीजिएगा। बाकी इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, आई बटन पे लिख दूंगा, आपको पता चलेगी किस तरीके से ये कंपनियां आपको अच्छा खासा पैसा कमाते हुए दिखाई दे रही है और वो भी शॉर्ट टर्म पीरियड में। तो इस कंपनी से रिलेटेड यही था, अलग बिजनेस है, कंपनी अच्छे खासे डेट फ्री कंपनी है, सब चीज अच्छा है। तो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स की जगह इसकी तरफ ध्यान दीजिए, अच्छा खासा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए अगर कोई इशू हो, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।